दोस्तों आप लोगों को पता है कि चाइना में 67 करोड़ लोग जो है 5G का नेटवर्क आज के डेट में यूज कर रहे हैं और इंडिया में अभी तक 5G पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है। ये फंस गया सी। इस तरह की कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है, लेकिन आप लोगों को ये चीज पता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले 5G कहां पर लॉन्च हुआ था? अगर पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। वो है साउथ कोरिया, सबसे पहले 5G वहां पर रोल आउट किया गया था। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपको ये चीज पता था, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अरदा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। मॉर्निंग में काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया है रेडमी नोट 10 प्रो के ऊपर, जाके देख लीजिए। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि भैया आपके फोन में टोटल कितने कैमरे हैं, मतलब फ्रंट और बैक मिलाकर। सबसे ज्यादा वोट आए 45% लोगों ने कहा 4 कैमरे हैं, उसके बाद 22% लोगों ने कहा या 26% लोगों ने कहा कि भैया 3 कैमरे है, और कुछ अल्ट्रा लेजेंड है जिन्होंने कहा 6 कैमरे और उससे ज्यादा है। कौन है ये लोग? अब ये कौन सा फोन यूज कर रहे हैं पता है तो कमेंट में। चलिए पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाट्सएप वेब के। पीसी वगैरह में ओपन होता है, उसमें एक नया तरह का स्टिकर वगैरह दिया गया है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अगर आप यूज करते हैं तो अब स्टिकर वगैरह जो है आराम से भेज सकते हैं। इस तरह की कुछ कटआउट निकल के आई है जो आप देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी आपके सोच से भी आगे निकलने वाला है। खत्म, क्योंकि इसमें नया अपडेट आ चुका है और ये आपके ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आप जो पूछेंगे उस हिसाब से ये जवाब देगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन एक दुखद खबर ये है यही एआई के ऊपर कि हैकर्स जो है इस एआई को यूज करके आपको फिशिंग मेल कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आपका क्या है जीमेल या फिर कोई भी मेल वगैरह है उसमें वायरस वगैरह आ रहा है और उसके बाद आपका डेटा लीक हो रहा है। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। क्या ये चीज होना चाहिए? कमेंट में जरूर। बात करते हैं टाटा एल्ट्रॉस की। ये जो है नया एल्ट्रॉस आया गया है जो सनरूफ के साथ आएगा और इसकी प्राइस जो है 6.9 लाख रुपीस से स्टार्टिंग वेरिएंट है, जो काफी अच्छी बात है। और ये इलेक्ट्रिक है, ये सबसे अच्छी बात है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। वहीं बात करते हैं एमजी की, तो एमजी एक एसयूवी लॉन्च करने वाला है जो सस्ता क्वालिटी का होगा, थोड़ा मतलब एकदम चीपेस्ट क्वालिटी का होगा और इसमें 3 दरवाजा होगा, 2 साइड से खुलेगा और 1 बैक से खुलेगा। इस तरह की कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है। क्या लगता है आने वाले टाइम में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमें देखने को मिलेगा? कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं बोट की। बोट का स्मार्ट रिंग आने वाला बहुत ही जल्दी और इसकी टीजर पेज अमेजॉन फ्लिपकार्ट और इनके खुद के स्टोर में आ चुका है, जिसमें SPO2 वगैरह देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज, और आपके फोन से ये कस्टमाइज होगा। कल सैमसंग बोला, आज ये बोल दिया, आने वाले टाइम में सोमी और रियलमी भी इसमें कूदेगा। कहां से आते हैं? आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं एप्पल की। आप सोच रहे हैं कि सितंबर में आईफोन 15 लॉन्च होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिले हो चुका है। अब क्यों हुआ है वो तो पता नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अक्टूबर में आईफोन 15 लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है कि इसका कैमरा को घसकाने के लिए, मतलब अभी क्या होता है कि इधर और इधर है, अभी क्या होगा कि इधर इधर और इधर हो जाएगा, इधर फ्लश दे देगा। अबे साले, तो इस तरह का कुछ है, मजाक कर रहे, लेकिन हो सकता है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का, और बहुत ही दुखद सवाल है। यूजर पीडी का सवाल है कि रेडमी नोट 10 प्रो इनका फिर से इनका डेड हो गया। दुख का खत्म नहीं होता बे। मदरबोर्ड और फोन का 2 साल हो चुका है, तो अब ये क्या करें, क्योंकि 9,600 रुपये लगेगा इसको बनवाने में और नया Redmi Note 10 Pro का दाम है 12,000 रुपये। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो बनाए या नहीं बनाए? और मेरा सवाल Xiaomi से ये है कि 2 साल के बाद हुआ है तो ये बंदा क्या करेगा? अब कमेंट में आप ही बता दीजिए भैया, और वीडियो को शेयर करिए, Xiaomi तक का पहुंचाइए। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि Xiaomi जो नया बोला था कि भैया मदरबोर्ड चेंज कर देगा, उसका क्राइटेरिया वाला वीडियो हम दे रहे हैं, जाके देख लीजिए। ये जो 2 साल हो गया है इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब इनको पैसा लगेगा ही, क्योंकि वहाँ पर स्क्रैच नहीं होना चाहिए, वारंटी में होना चाहिए और भी बहुत सारी क्राइटेरिया थी जिसके हिसाब से रिप्लेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं होगा और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, क्योंकि ये लोग एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि MIUI 0.1.0 जो आया अपडेट, उसके बाद ये कैमरा डेड होना शुरू हुआ। और एक लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने इस तरह का मुझे कमेंट किया है और ट्वीट वगैरह भी किया है, बहुत लोग ने बताया भी है कि भैया मेरा हो चुका है इस तरह का प्रॉब्लम। और Xiaomi ने क्या किया कि ये जो अपडेट है MIUI 14.0.1.0 इसको सस्पेंड कर दिया और बहुत लोगों को ये अपडेट मिला भी नहीं है, इस तरह की कुछ अपडेट है। तो ये लोग सस्पेंड इसलिए किए कि भैया आप लोगों को पता है कि इसका कैमरा डेड हो रहा था, इस वजह से हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त आप लोग से यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, Xiaomi तक का पहुँचाइए, और हो सके तो Redmi का फ़ोन मत ही लीजिए भैया तो अच्छा है, मैं डायरेक्ट आप बोलूँगा, क्योंकि 2 साल के बाद कैमरा डेड हो रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं। अब आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।
चलिए बात करते हैं पोको की। पोको का 28 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। वैसे एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे है 28 जुलाई को, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भारत का चक्कर बाबू भैया। लेकिन बात करते हैं 28 जुलाई को पोको का TWS लॉन्च होने वाला है। इस तरह कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं रेडमी की। रेडमी का नोट 13 प्रो जो आने वाला है ये कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, 200 मेगापिक्सल इसमें देखने को मिलेगा। इस तरह कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। वहीं बात करते हैं रियलमी के। रियलमी का C51 आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो ऑनलाइन लिस्ट हो गया और इंडिया के BIS में भी लिस्ट हो गया, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हीलियो का G36 का प्रोसेसर। इस पर ही कुछ न्यूज निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं आईकू की, तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आईकू का Z8 आने वाला है, Z7 का सक्सेसर, जिसमें डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर, LPDDR4X वाला रैम, UFS 3.1 का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, और कैमरा वगैरह भी नहीं आई है, लेकिन 5000 mAh की बैटरी, और इसका डिस्प्ले जो होगा IPS पैनल होगा 144Hz के साथ। आप लेना चाहेंगे ये फोन कमेंट में। चलिए बात करते हैं मोटो का H40 Ultra, जो फोन आया था फ्लेक्सिबल वाला, फोल्डेबल वाला, उसमें जेरी भैया ने उसको टेस्ट किया और इसका जो डिस्प्ले बोला गया कि फ्लेक्सिबल है तो वो हुआ। बैंड टेस्ट में पूरा बैंड हो गया फोन, मतलब उल्टा तरीके से, लेकिन डिस्प्ले नहीं टूटा, जो बहुत बड़ी बात है। वहीं बात करते हैं वन प्लस का 12R, ये फ़ोन आने वाला है जनवरी 2024 में, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 58.2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, वही सेम 11R पे। वैसे कल एक वीडियो आ रहा है इसी के ऊपर, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 40,000, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो हमने बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा अगर आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हो तो। और नथिंग फ़ोन 2 उसमें है या नहीं वो भी देखिएगा, उसके बारे में भी कुछ बताया, तो जाके ज़रूर देखिए, स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स GT10 Pro, वही लीफ लाइट वाला जो नथिंग फोन 2 का कॉपी है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि दो फोन आने वाला है, एक प्रो प्रो प्लस। प्रो में आने वाला है डायमेंसिटी 1300 का प्रोसेसर और प्रो प्लस में डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर, इस तरह का कुछ है। अब ये जो है इसका ग्लिफ लाइट जो है ट्विटर में दिख रहा है हल्का सा ब्लिंक करके, आप देख सकते हैं हमने उस पर रीट्वीट किया है, यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। ये मतलब देखने में तो थोड़ा सा कूल लग रहा है, लेकिन इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, वैसे इसकी स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ गई है, जिसमें मैंने बता दिया इसका प्रोसेसर वगैरह, लेकिन इसमें जो होने वाला है 108+8+2 का रियर कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह होगा और 5000 mAh की बैटरी। आपको क्या लगता है, आप इसे बाय करेंगे, वैसे इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से कमेंट में। दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे, और हमारा व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो यहाँ दिखता होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।